जाएंगे उधर से जाएंगे। सबसे पहले मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर साहब वो जर्मनी की औरतों ने किया है और आज यूरोप की और दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी जो बार और बोझ उठा रही है। आपकी जो दुनिया की लीडिंग गाड़ियां हैं, लीडिंग ब्रांड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो सारे तकरीबन जर्मनी में बनती हैं। मर्सिडीज तो सबने देखी होगी, आजकल ऑडी का बड़ा रिवाज है, बीएमडब्ल्यू भी सबने देखी होगी, वॉक्सवैगन का सुना होगा। ये सारी जो टॉप ब्रांड की दुनिया में जाने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये सारी जर्मनी में बन रही है। वसंत साहब का फोन आ रहा है, जरा आवाज कर। आपने देखा होगा आजकल पूरी टॉपों का रुख जो है वो दुनिया की तरफ हुआ है, उधर अटैक हुए थे, लेकिन जो मर्जी कर ले, जैसे मैंने पहले कहा इलेक्शन की तारीख आने वाली है, हम सब ने अपने इलेक्शनों के अंदर भी जाना है और इस्लामाबाद के तो वैसे भी बाय इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, तो हमारी इस्लामाबाद की टीम नजर आना बहुत जरूरी था, खान साहब के साथ इशारे यकजहती बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद वापस जाएंगे, वापस जो है इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी जाना है। इस्लामाबाद क्या करने के लिए बात, अच्छा तुम लोग को क्या काम हो सकता है, जिसके लिए हल्के का कोई काम होगा, कोई वोटर की कुछ मिलना होगा? नहीं जी, मैंने दहशत गर्दी की अदालत में पेश होना है, जैसे आपको नजर आ रहा है बहुत बड़ा दहशत गर्द हो रहा है। इंशाल्लाह ताला ये जो मर्जी कर ले। जिंदा इमरान खान को रोक नहीं सकते, और आपने देखा कि किस तरीके से कातलाना हमला करने की कोशिश की, और मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे अल्लाह उसको जिंदगी दे, मेरे अल्लाह इमरान खान जो साथी उसके साथ खड़े हैं, जनेर अल हक के साथ सच के साथ खड़े हैं, अल्लाह उनको हिम्मत दे, अल्लाह मेरी माएं बहने बेटियां साथ खड़ी हैं इनको हिम्मत दे, और अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमा। इंशाअल्लाह हम अपने लीडर के साथ डट के खड़े रहेंगे और ये जंग लड़ेंगे, और अल्लाह तो फतह देने वाला है, अल्लाह तो हक को हमेशा बातिल पे तूने फतह दी है तो आज भी देगा। अल्लाह इन बद नजरों से बद नियतों से मेरे लीडर को बचा, उनको मान में रख, उनको लंबी सेहतमंद जिंदगी दे। मेरे मौला इमरान खान को हमारी जरूरत नहीं, हमें इमरान खान की जरूरत है, इस मुल्क को इमरान खान की जरूरत है, इस मुल्क के लिए उसको जिंदगी अता फरमा, उसको पता नसीब फरमा, ताकि वो एक पाकिस्तान का लीडर नहीं पूरी मुसलमान उम्मा का लीडर है। मेरे मौला इस्लाम का बोल बाला करने वाला है, सच्चा सच्चा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे मौला तूने वादा किया था, तूने वादा किया था जो हक पे चलते हैं वो 313,000 रुपए भारी आते हैं। हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला तू ही हमें ईमान की ताकत देगा, सच की ताकत के साथ, इमरान खान की संगत के साथ, इमरान खान की रहनुमाई में हम सबको जो उनकी टीम है और जो खवातीन है, जो नौजवान है, जो हमारे बच्चे, हमका जोश जज्बा और सच्ची मोहब्बत इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए और अपने फिक्र के लिए, अल्लाह खास।